यूएफसी में डेब्यू करने वाला है सबसे बड़ा जायंट, ठीक है, आज तक का यूएफसी हिस्ट्री में। और खामजा चिमाएव फाइट करने वाला है नेक्स्ट बेल्ट के लिए, डेना व्हाइट ने प्रॉमिस किया है उसे। और आपका इस्लाम माकाचेव ने पूरा 24 का जो पूरा साल है वो साल में किस किस से फाइट करेगा सभी अनाउंस कर दिया है। तो सभी इस वीडियो में है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यूएफसी 299 में डेब्यू करने वाला है एक जायंट, ठीक है, हेवीवेट डिवीजन में, और उसका नाम है आपका रॉब्लिस डिस्पैग्नी, ठीक है। ये आपका 6.7 इसका हाइट है, ठीक है, आपका यूएफसी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रीच रखने वाला ये ही प्लेयर है। तो आप सोच सकते हो इसका मतलब साइज कैसा होगा, आप सोच सकते हो, ठीक है। ये आपका टाइकोंडो प्लेयर है और आपका ये पिछला जो इसका 8 फाइट का विनिंग स्ट्रीक पे है, जो भी 8 फाइट ये किया है सभी फर्स्ट राउंड में ही टीको करके खत्म किया हुआ है, एक फाइट भी एक राउंड से ज्यादा नहीं चला। तो आप सोच सकते हो ये कितना डेंजरस प्लेयर है। ये आपका टाइकोंडो प्लेयर है, ठीक है, 2012 में ये ओलंपिक खेला था और उसमें आपका ब्रॉन्ज मेडल मिला था। तो आप इसका स्ट्राइकिंग तो समझ ही सकते हो किस लेवल का होगा। ये आपका हैवीवेट डिवीजन में नेक्स्ट बिग थिंग हो सकता है। तो आपको इस बारे में जानकर कैसा लगा वो जरूर बताएगा, ठीक है। तो लाइट वेट चैंपियन इस्लाम माकाचेव ने रिवील किया है उसका 2024 में किस किस से वो फाइट करेगा, ठीक है, पूरा फाइट लिस्ट। तो वो फाइट लिस्ट है आपका जून 8 को फाइट करेगा वो अगेंस्ट जस्टिन गेची, ठीक है। जस्टिन गेची का तो बारे न्यारे हो गया, ठीक है, उससे वो फाइट करने के लिए राजी हो गया। आप जस्टिन गेची तो फाइट करेगा ही करेगा, अगर ये आपका डेना व्हाइट के ऊपर है अभी ये बनाए कि नहीं। तो नवंबर में ये फाइट करने वाला है आपका MSG में, ठीक है, आपका मेडिसन स्क्वायर गार्डन जो है उसमें फाइट करने वाला है। जो भी आपका विनर होगा UFC 300 में ओलिवेरा वर्सेस अरमान के बीच में, उन दोनों में से जो भी विनर होगा उससे फाइट करेगा ये, ठीक है। और 2025 का भी एक फाइट अनाउंस कर दिया है, ठीक है, 2025 में फेब्रुवरी में किसी के साथ भी वो फाइट करने के लिए रेडी है, ठीक है। उसने कहा है इंशाल्लाह मैं किसी के साथ भी फाइट करने के लिए राजी हूँ, बस UFC बना दे किसी के साथ, ठीक है। तो ये कहना था आपका इस्लाम माकाचेव का। जो लोग सोच रहा था कि इस्लाम माकाचेव भाग रहा है इन लोगों से, ठीक है, चार्ल्स ओलिवेरा से, अरमान सारूकियन से, तो उन लोगों के मुंह में तो ताला लग गया अभी कि वो भाग नहीं रहा है, उसने खुद लिस्ट जारी कर दिया है। तो आपको इस बारे में जानकर कैसा लगा वो जरूर बताएगा, ठीक है। तो चले चलते अगले न्यूज। खामजा चिमाएव ने रिवील किया हुआ है कि डेना व्हाइट ने उसे प्रॉमिस किया हुआ है कि उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट ही मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट फाइट जो उसका होगा उसमें टाइटल शॉट ही उसको मिलेगा। तो वो अगेंस्ट आपका शॉन स्ट्रिकलैंड और ड्रुकस डुप्लेसिस के बीच में जो फाइट होगा उनमें से जो विनर बनेगा उस विनर से उसका फाइट होगा आगे बेल्ट के लिए, ठीक है। तो ये कहना था आपका खामजा चिमाएव का, उसका एक वीडियो में भी है वो हम आपको सुनाने वाले हैं। तो सुनिए और आपको ये जान के कैसा लगा और क्या आपको लगता है कि ये बेल्ट जीत पाएगा जो भी जिससे भी फाइट करे, तो वो हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। It's the next match for you. Would you agree with this? Do you think Dana White? 100%. If he has the fight now, who is winning the fight? He has a good fighter who's fighting with Duplessis, and if he wins against this guy, so for sure we're gonna fight. 100% should be. They promised for me the fight, so now we're gonna wait who is winning the fight and then take the belt. You are in. तो नेक्स्ट न्यूज है आपका इसराइल अदासानिया को रखिए। इसराइल अदासानिया ने रिवील किया हुआ है कि वो पहले जैसा फाइट नहीं करेगा अभी, ठीक है, वो इस मुकाम में है अभी कि उसे मतलब क्वांटिटी फाइट नहीं चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा फाइट नहीं चाहिए, क्वालिटी फाइट चाहिए, जो मतलब उसे अच्छा मतलब पैसा दे और फेम नेम फेम दे वैसा फाइट चाहिए, ठीक है। तो ये कहना था आपका इसराइल अदासानिया का। तो आपको ये सुन के कैसा लगा, क्या इसराइल अदासानिया ठीक कर रहा है, क्या वो गलत कर रहा है, वो भी बताइएगा, ठीक है, हमें कॉमेंट सेक्शन में। तो चले चलते अगले न्यूज पे, और ये आखिरी न्यूज होगा, ठीक है। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल। UFC 299 में जो फाइट होने वाला है आपका को-मेन इवेंट बिटवीन डस्टिन पोरियर वर्सेस बेनोट सैन डेनिस के बीच में, उनमें से कौन फेवरेट है आपको पता है? तो अभी बेटिंग ऑर्ड्स निकल के आ गया है, अर्ली बेटिंग ऑर्ड्स, तो उसमें से फेवरेट है आपका बेनोट सैन डेनिस -148 के साथ, और आपका +124 के साथ अंडरडॉग है आपका डस्टिन पोरियर। आप विश्वास कर सकते हो, जो टॉप 10 में भी नहीं है रैंकिंग में उसे लोग मतलब फेवरेट समझ रहा है कि वो जीतेगा अगेंस्ट आपका डस्टिन पोरियर। और डस्टिन पोरियर जो इतना मतलब टॉप लेवल फाइटर है लाइटवेट डिवीजन में, उसको आप अंडरडॉग मान रहा है, जो मतलब सट्टा लगा रहा है जुन लो उन लो। तो आपको इस बारे में जान के कैसा लगा वो जरूर बताएगा, ठीक है। अगर आपको किसी पे सट्टा लगाना हो, अगर किसी पे बैट लगाना हो, तो आप किस पे लगाते हो वो जरूर बताएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो आज के लिए थैंक यू।